सुलेखा सिंह बोल रही हूँ और पर्यावरण के बारे में बताना है कि पर्यावरण से स्नेह करना कितना इम्पोर्टेंट है आज के युग में। आज हमारे सामने आ रही तमाम समस्याओं का समाधान प्रकृति और मानव के बीच संबंध में छुपा है। इस संबंध को बेहतर बनाने के लिए हमें विकास की उचित परिभाषा को समझना होगा। मानवता का अस्तित्व तो प्रकृति पर निर्भर है। बेहतर जल जीवन और स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण आज सरकार हर तरह का प्रोसेस कर रही है कि पर्यावरण पेड़ लगाना कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम मानव का इतना ज़रूरी है पेड़ लगाना। और हमें ये सोचना होगा कि प्रकृति को इस तरह से हम लोग स्नेह से जुड़े जो कि और आने वाले सरकार को अपने उपहार के रूप में प्रकृति को समर्पित करें। जिस तरह मेरा उद्देश्य था, हमारे बच्चे का घर में जन्मदिन होता है तो मैं एक पेड़ मंदिर में समर्पित करती हूँ। वो पेड़ जब तक 5 साल का नहीं होता है तब तक मैं मंदिर में नहीं समर्पित। आप बैकटपुर मंदिर में जाके देखिए, वहाँ पे हमारे बच्चों का सबका जुड़ा हुआ है अस्तित्व पेड़ के साथ। किसका जन्मदिन कब है और किस तरह से स्नेह पेड़ के साथ है, वो हर चीज़ आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर। मैं पूछूं कि लोगों को गार्डनिंग क्यों करना चाहिए, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? देखिए, आज के युग में इंसान अपने आप में इतना डिप्रेशन में आ गया है ना। एक साल में हम लोग कितने अपने को खो दिए कोविड के समय। लेकिन अब देखते हैं कि प्रकृति से जुड़ने के बाद हम लोग ये चीज़ सीखे हैं कि अपने आप पे कितना फिट रखने के लिए प्रकृति से स्नेह कितना ज़रूरी होता है। चाहे वो आप किसी भी रूप में कीजिए, प्रकृति को बच्चा मान लीजिए, बच्चे के साथ उसको जोड़ दीजिए किसी भी जन्मदिन में या शादी में या पितृपक्ष के समय में, किसी भी तरह परिवार के सदस्य के रूप में उनको सम्मान दीजिए और उसको जोड़े रखिए। अगर सरकार ये नियम निकालती है कि नहीं पेड़ पौधा लगाना, तो वो दिखावे तक ही सीमित रहता है। उसको स्नेह तक जोड़ना है और अपने आप में उसको समर्पित करके रखना है कि प्रकृति से प्रेम कितना ज़रूरी होता है। ये हमारा और सब का पेड़ पौधे का के बीच का कनेक्शन की बात है। हाँ, कनेक्शन तो हम ही दोनों स्थापित करें। और सरकार को हम लोग उपहार के रूप में सरकार को ये उपहार दें कि हम मानव प्रकृति के प्रेम के प्रति कितने जुड़े हुए हैं और ये उपहार दें। सरकार को ये गाइड करना पड़ता है कि आप पेड़ लगाइए, कितनी दुर्भाग्य की चीज़ है। हमें अपनी खुद ये चीज़ को समझना होगा और आने वाली जो सरकार है या सरकार अभी जो है उसको उपहार के रूप में समर्पित करें कि हम प्रकृति से इतने जुड़े हुए हैं। देखिए, ये मेरे यहाँ ये अगस्त है, अभी अगस्त का फूल जो है 400 रुपये केजी बिक रहा था। अच्छा, और नवंबर महीने में इसका इतना ज़्यादा ये अगस्त है। हाँ, और कहता है कि कोई भी अनुष्ठान आप अगस्त के पेड़ के नीचे करते हैं तो बहुत ही जल्दी सफल होता है। अच्छा, हाँ, तो पटना में मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता होगा अगस्त का। नहीं, आप लीजिए, हम देंगे आपको अगस्त का पेड़। हम देते, मुझे इस तरह के गार्डनिंग के वीडियो बनाने से ये तो फायदा होता है, मुझे पौधे वौधे मिलते रहते हैं। हाँ, एकदम आप लीजिए, कम से कम आपको हमको इतना खुशी हुई कि आपको एकदम इतना स्नेह हो गया। हाँ, आपका इतना लगाव है प्रकृति से। आप जैसे कितने लोग हैं, हम तो देखते हैं किसी को एक पेड़ लगा के और मीडिया में फोटो खिंचवाना तो हमें लगता है कि दुर्भाग्य है। मतलब इतना लोग प्रकृति से भागते चले जा रहे हैं। चलिए, आप जैसे अगर लोग हों तो प्रकृति, आप एक बार बैकटपुर जाइए, है ना, बैकटपुर जाके आप देखिए, वहाँ पर आपको लगेगा कि सचमुच में अद्भुत चीज़ है यहाँ पर। मतलब इतना, आप पहले देखते थे कि पहले जो पेड़ इंसान लगाता था आसानी से लगता, अब आसानी से लगता नहीं है। अच्छा, आप अगर पेड़ आज लगा के जाइए, कल तो देखिएगा जाके कि वो पेड़ है नहीं। बहुत मुश्किल आता है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों को स्नेह नहीं है, प्रकृति से लोग दूर होते जा रहे हैं। तब पहले देखते थे कि कितने लोग नहर किनारे नदी किनारे पेड़ लगता था, अब तो वो सारा पेड़ विलुप्त हो गया। हम कम से कम बैकटपुर पेड़ लगाने में हमको 3-4 साल मेहनत करना पड़ा। अभी वहाँ पे लोगों को रखना पड़ा, लोगों को बताना समझाना पड़ा। ये चीज़ है, आज देखिए तो वहाँ पे लोग समझते हैं, वहाँ आपका महुआ का पेड़। हाँ, और इसका महुआ का पेड़ आपको मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आपके पास तो जगह बहुत है, आपके पास एक तरह से कह सकते हैं गोबर भी उपलब्ध है। आप मिट्टी कैसे तैयार करती है, फाइनली कुछ एक्स्ट्रा करती हैं या कि? नहीं नहीं, हमारे पास जैसे अभी बरसात का महीना होता है ना, तो मैं कुआं जैसा खुदवा देती हूँ और जितने भी गोबर है उसमें डलवा दिए और उसको 1 साल बंद करवा दिए मिट्टी से गोबर। फिर दूसरे नेक्स्ट ईयर जो है
उसको हम निकलवाए पेड़ में डालने के लिए, वो एकदम मिट्टी हो जाता है, उसको गमले में, उसको गमले में डालती हूँ। फिर घेर घर पर मैं बेचती हूँ, वहाँ पर मेरा सब्जी जो लगाते हैं उसमें हम खाद नहीं डालते हैं, उसी से ऑर्गेनिक से ही हम सब्जी थोड़ा बहुत अपना खाने भर उपजा लेते हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि लोग प्रकृति से ऐसे जुड़े जैसे अपने परिवार से जुड़ा हुआ है, और अपने बच्चे का जन्मदिन हो या किसी भी उपलक्ष्य में एक पेड़ ऐसा समर्पित करें, और फिर अगले साल, इस साल हम बच्चों को उपहार के रूप में पेड़ दें, और नेक्स्ट टाइम उसको दिखाएं कि तुम्हारे नेक्स्ट जो जन्मदिन है उसमें हमने ये पेड़ लगाया, वो बच्चा कितना, उसको कितना स्नेह हो जाएगा प्रकृति से, वो कभी प्रकृति को भूल नहीं पाएगा।